हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाज किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये नाश्ते के लिए बहुत हेल्दी है एंड इजी रेसिपी है गाइस, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। गाइस, हमारा पोहा बनाने का इंग्रेडिएंट्स: नारियल का बुरादा, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ गाजर, बॉयल आलू कटे हुए क्यूब्स में, हरा मिर्च कटा हुआ, धनिया पत्ती, भुना हुआ बादाम, जीरा आधा चम्मच, हींग चुटकी भर, सरसों दाना, कड़ी पत्ता, नमक, हल्दी चूड़ा एक बाउल, प्याज कटा हुआ बारीक। गाइस, यहाँ पे मैं चूड़ा को पहले भिगो ले रही हूँ। 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भिगोना है। और गाइस, मैंने इसे 2 बार धो लिया है। जब चूड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने चूड़ा को पानी से निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम हाई गरम हो चुका है और इसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम सरसों दाना ऐड कर रहे हैं, हींग डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं और हम इसे एक दो हाथ चला लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। अब प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे हम चला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। और हम इसे चला लेंगे। और अब हम इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं और आलू। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। आलू बॉयल था इसलिए हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो अब हम इसमें पोहा चूड़ा ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। बादाम भूना हुआ है तो हम इसके बाद बादाम डालेंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली और बादाम ऐड करेंगे। ये नाश्ते के लिए बहुत हेल्दी नाश्ता है गाइस, आप इसे नाश्ते में बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। आपको भी ये नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत हेल्दी भी है। 5 मिनट के बाद गाइस हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारा पोहा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं गाइस। गाइस, हमारा पोहा रेडी है और मैं नारियल के बुरादे से गार्निश कर रही हूँ गाइस, से धनिया पत्ती। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाज किचन। And stay tuned for my next video guys, and please hit the bell icon so that you'll get the notification of my next video. Thank you guys for watching.